अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ बनाना चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम ऑयल रख देंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि हमें बनाना को छिलने के बाद डायरेक्टली ऑयल में स्लाइस करना है, तो इसलिए हमारा ऑयल जो है वो पहले से ही गर्म होना चाहिए। तो इसे हम लो फ्लेम पर रख देंगे गर्म होने के लिए। और इसके बाद हम छोटी सी प्याली में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और फिर इस पानी में हम एक चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे हमें मिक्स कर लेना है ताकि पानी में नमक अच्छी तरह से घुल जाए। तो इस पानी को आप कब और कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो इसे अब हम साइड में कर देते हैं और फिर हम ये बनानास ले लेंगे। तो ये मैंने चार ग्रीन बनाना लिए हैं। तो ये केरला बनाना है जो स्पेशली चिप्स बनाने के लिए होते हैं। तो ये जो केरला बनाना है ये आपको ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में। आप सब्ज़ी वाले को कहें कि आपको चिप्स बनाना है तो वो इस तरह के बनानास आपको दे देंगे। तो इसे ख़रीदते वक्त आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो केले हैं ये बिल्कुल कच्चे होने चाहिए, पके हुए बनाना आपको नहीं लेने हैं। तो इसे काट कर मैं आपको अंदर का टेक्सचर इसका दिखा देती हूँ। ये हल्के से आपको येलो कलर के नज़र आ रहे होंगे, अगर ये कच्चे भी होंगे तब भी ये वाइट नहीं होंगे, तो बस यही इसकी पहचान होती है। तो अब हमें क्या करना है, बस इसके छिलके हमें रिमूव कर लेना है। तो इसे काटने के लिए हम सबसे पहले इसका टॉप और फिर इसके एंड वाला पार्ट हम काट लेंगे और इसके बाद हम बनाना के छिलके पर किसी शार्प नाइफ से इस तरह से स्लीट दे देंगे। दो तीन जगह आप बनाना पर सीधी स्लीट दे दीजिए। तो इस तरह से इसमें कट्स लगाने के बाद इसका हम छिलका रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे छील लेना है। तो बड़ी आसानी से इसका छिलका निकल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे छील लेने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है, बस इसे हमें डायरेक्टली फ्राई करना है ऑयल में, क्योंकि इसे बहुत देर आपने छोड़ दिया तो हवा लगने से ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमने ऑयल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब ये ऑयल गर्म है तो इसमें हम ये बनाना को स्लाइस कर लेंगे। तो इस तरह का आपको चिप्स कटर लेना है और इसे ऑयल में डायरेक्टली स्लाइस करते जाना है। अगर आपको गर्म ऑयल से डर लगता है तो फिर आप पहले प्लेट में चिप्स को स्लाइस कर लें और स्लाइस कर लेने के बाद आप इसे ऑयल में डालकर फ्राई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे डायरेक्ट कढ़ाई में ही डालना है, आपको डर लगता है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना है कि इसे हवा में ज़्यादा देर आपको नहीं रखना है क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं। तो बस जितने कढ़ाई में आ सके दो से तीन बनाना हम कढ़ाई में स्लाइस करके डाल देंगे और फिर इसे हम मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हमने जो हल्दी और नमक का पानी बना कर रखा था तो वो हम इसमें एक से डेढ़ चम्मच डाल देंगे। इससे ये होगा कि ऑयल का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और इसमें हल्दी और नमक का फ्लेवर भी आ जाएगा। हल्दी हमने बस इसमें इसलिए ऐड की है क्योंकि इसमें अच्छा सा कलर आ सके, क्योंकि मार्केट में जो चिप्स मिलते हैं वो येलो कलर के होते हैं, तो वो भी इसी तरह से हल्दी इसमें ऐड करते हैं ताकि इसमें हल्का सा येलो कलर आ जाए। अगर आपको हल्दी से प्रॉब्लम है, आप नहीं ऐड करना चाहते हल्दी, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस नमक वाला पानी आप इसमें ऐड कर दें। चिप्स में नमक का फ्लेवर लाने के लिए आपको यही वाला स्टेप फॉलो करना होगा। आपको इसमें अलग से नमक नहीं ऐड करना है, यानी कि ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करना है आपको नमक। तो ऑयल में नमक का पानी ऐड करने से ऑयल जो है वो थोड़ा सा उड़ने लगेगा, इसमें बबल्स बनने लगेंगे। तो जैसे ये बबल्स खत्म हो जाएंगे इसमें आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो इसे हमें कुछ देर और पकाना है ताकि ये चिप्स जो है वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि इसमें पानी डालने से ये थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। तो इसे कुछ देर पकाने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये क्रिस्पी हुए हैं या नहीं। अगर ये क्रिस्पी नहीं हुए हैं तो इसे आप कुछ देर और पका लें और अगर क्रिस्पी हो गए हैं तो फिर आप इसे ऑयल से निकाल सकते हैं। तो जो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उसे आपको फॉलो करना है तो आपके भी चिप्स बहुत ही परफेक्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो ये जो बनाना चिप्स है ये क्रिस्पी हो चुके हैं, इसे हमने अच्छी तरह से पका लिया है। तो इसे अब हम ऑयल से निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बनाना चिप्स। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही जल्द बन जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। फरहीन को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।